गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है सीईटी का जो नोटिफिकेशन है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से हर एक बिंदु की बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला बिंदु, सीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? सर आज ही जारी हुआ है, सर अभी ही जारी हुआ है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन हो गया जारी, और ये देखिए नोटिफिकेशन जारी होने का दिनांक है 21/9/2022। इसका मतलब मैं आज ही की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए अगर बात करें सीईटी एग्जाम क्या क्या इसमें पोस्ट जो है कवर होगी, सीईटी के एग्जाम से आप कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं, तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की प्लाटून कमांडर नाम से जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। जिलेदार पटवारी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। कनिष्ठ लेखाकार के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तहसील राजस्व लेखाकार के लिए, इसका मतलब अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट कौन सा? जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। और उसके अलावा पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो भी अब किसके थ्रू कंडक्ट होने वाली है, वो कंडक्ट होगी सीईटी के थ्रू। प्रवेक्षक, प्रवेक्षक का मतलब सुपरवाइजर। उप जेलर, जो जेलर की पोस्ट है। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड टू, हॉस्टल वार्डन ग्रेड टू की जो पोस्ट है वो भी आपको किसके थ्रू मिलेगी? वो भी आपको सीईटी के थ्रू मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो आ गई, ये जो पोस्ट है, ये आपके सामने जो पोस्ट दिख रही है, ये जो पोस्ट है ये सीईटी के अंतर्गत होगी। ये जो पोस्ट है ये किसके अंतर्गत होगी? ये पोस्ट होगी सीईटी के अंतर्गत। अब अगला बिंदु आता है सीईटी के संबंध में जो दिशा निर्देश है, एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या है? समान पात्रता परीक्षा, दैट मीन सीईटी। और यहां पर ब्रैकेट में लिखा है स्नातक स्तर। क्या लिखा हुआ है? स्नातक स्तर। मात्र एक पात्रता परीक्षा है। इसका मतलब ये, इसको क्रैक करने पर आपको ऐसा नहीं कि पोस्टिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये सिर्फ क्या है? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन भाई जो एलिजिबल ही नहीं होगा वो आगे एलडीसी कैसे बनेगा, या फिर वो मैं कहूं आगे जो जूनियर अकाउंटेंट है वो कैसे बनेगा, वो पटवार कैसे बनेगा? आगे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? एकमात्र पात्रता परीक्षा है। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपको पास करना ही होगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपलब्धों के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब आगे की जो प्रोसेस है, जो सर्विस रूल होंगे उस डिपार्टमेंट के, उसके अकॉर्डिंग वो भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसके नौकरी की गारंटी नहीं देगा। इसका मतलब आपने सीईटी में बहुत बढ़िया नंबर ले लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जॉब मिल गई है। इसका मतलब ये है कि आप जॉब के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आगे आपको एक एग्जाम देना है जो कि आपका फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, और उसे अर्हित करना होगा, और सुसंगत सेवा नियमों से अतिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। इसका मतलब जो एग्जाम, जैसे आप सीटी पास कर लोगे उसके बाद आपको हॉस्टल वार्डन बनना है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हॉस्टल वार्डन के जो सेवा नियम है उनके अंतर्गत आपको जो भी प्रोसेस है वो आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही काम की बात है। आप पहले तो सीईटी क्रैक करोगे, सीईटी के बाद फिर आपका एग्जाम होगा, जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लिया जाएगा? एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। और उसमें बिल्कुल वही कैलकुलेशन चलेगा जैसे पहले चलता था। उसमें एक एग्जाम होगा, उसमें जो वरीयता सूची है उसके आधार पर फिर अंतिम चयन होगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। तो ये बात मैंने पहले ही बोल दी कि पहले आपको सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सीईटी क्या है? सीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये पहले आप क्वालिफाई करोगे, फिर आपके डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट की पोस्ट के सेवा नियमों के आधार पर, उसके जो रूल्स बने हुए उनके आधार पर वो एग्जाम फिर से आपको, इसका मतलब अगर एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे तो कितने करने पड़ेंगे? दो। मान लीजिए आपको पटवारी बनना है तो अब पटवारी के लिए दो एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। पहले सीईटी पास करो, फिर पटवारी वाला एग्जाम पास करो। टोटल दो एग्जाम आपको पास करने होंगे, ठीक है।
समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। पहली बात तो एक बार कंडक्ट होगी, एक वर्ष में एक बार कंडक्ट होगी, और दूसरा इसका जो स्कोर है वो एक साल तक वैलिड रहेगा। तो उस एक साल के अंतर्गत जो भर्ती आएगी उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित किए जाएंगे। बोर्ड कौन है? और जो आरएमएस भी बोर्ड है उसके द्वारा जितने भी बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के जो मार्क्स है वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, सभी के मार्क्स शो होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु देखिए। समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों उपस्थित होने का पात्र नहीं है, यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती द्वारा अवधारित किए गए प्राप्त करने में असफल रहता है। ये बहुत काम की बात है। बहुत काम की कैसे है भाई? सीईटी में एक डेफिनेट क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि इतने प्रतिशत मार्क्स हर बच्चे को लेने, मान लीजिए एक बार के लिए एग्जांपल वो 40% है, तो 40% अगर आपके नहीं आएंगे इसका मतलब आने वाले जूनियर अकाउंटेंट, आने वाली पटवारी, वो जो भर्तियां होगी उसके लिए आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उनमें आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, उसमें सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने सीईटी का प्री क्वालिफाई किया है, जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया है, सिर्फ वही बच्चे और निर्धारित जो अंक रखे गए जिसने वो अंक प्राप्त किए सिर्फ वही बच्चे एग्जाम देने में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी जो वह अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती द्वारा निम्नलिखित श्रृंखला के लिए नियत लिखा जाते हैं, समान पात्र परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। सीधी सीधी बात यह है कि जैसे ही आप सीईटी पास करोगे उसके बाद मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट की 2000 की वैकेंसी आई है, तो एग्जाम देने वाले बच्चे कितने होंगे, गुणा 15, यानी गुणा 15 का मतलब सीधा सीधा है उसको मल्टीप्लाई 15 से कर दो, तो 2000 का मतलब मल्टीप्लाई 15 से करने पर 30,000 जो बच्चे हैं सिर्फ वो ही बच्चे उस एग्जाम में बैठेंगे, तो बाकी के बच्चे सारे क्या हो गए, बाहर हो गए। तो 15 गुणा जो भी वैकेंसी है उसका 15 गुणा जो है वो इस एग्जाम में शामिल होगा, और ऐसे सारे बच्चे जो किसी पर्टिकुलर नंबर पे रहे, मान लीजिए मेरिट 254 गया है, 154 या 54 कुछ भी गया है, तो उस नंबर पर आने वाले मान लीजिए ऐसे बच्चे 10,000 की जगह 11,000 है, 30,000 की जगह 32,000 है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगर आप एक एक बात को ध्यान से समझना चाह रहे तो वीडियो में बने रहिए, अदरवाइज तो सर आप बाद में इधर उधर पूछते फिरेंगे उस सीईटी में क्या होता है, कैसे होता है, सिलेबस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। एक वीडियो देखिए, एक वीडियो में सारी टेंशन खत्म। एक एक बिंदु पर बहुत डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले व्यक्तियों की, अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए शिथिलता दी जाएगी, ठीक है। क्या दी जाएगी? शिथिलता दी जाएगी, ठीक है, ताकि उस प्रवर्ग में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। मैं ये बातें अभी डिटेल से क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में यही वो बातें हैं जो सबसे ज्यादा काम की है। बाकी आयु कितनी है, राष्ट्रीयता क्या है, ये सारी बातें तो बहुत कॉमन है, हर वैकेंसी में सेम मिलेगी आपको। जो अलग बिंदु है हमें उन्हीं को समझना है कि आखिरकार सीईटी का प्रोसेस क्या है, वो हमें समझना है, ठीक है। इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुणा की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जाएगी। शिथिल माने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी कैटेगरी के कोई बच्चे हैं वो 15 गुणा मिल नहीं रहे, तो उस मूवमेंट में क्या करेंगे, थोड़े से अंग नीचे लेकर आएंगे और 15 गुणा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार अतिरिक्त रूप में हरित केवल उनके प्रवर्गों के आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे, केवल उस कैटेगरी के जो पद है उन्हीं पर वो क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता,
आयु अनुभव आदि ऐसे किसी आदि ऐसे अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित हो। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन, मान लीजिए किसी ग्रेजुएशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मांगा गया, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह कुछ अलग से मांगा गया, तो वो भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्तें पूर्ण करता है करती है, समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनाएगी। तो ये पहले डिसाइड कर ले, इसमें जो पर्टिकुलर रखी गई है बातें कि इतनी एज होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें आप में क्या होनी चाहिए, वो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की सिस्टम क्या होगा, तो वही आपको वेबसाइट पे जाना है, एसएसओ खोलना है, एसएसओ में जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये काम की बात है नहीं, ये आप सभी जानते हैं, तो इस पे मैं चर्चा करूंगा नहीं। जो काम की बात थी उसको हमने बहुत डिटेल से देखा है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन आईडी वगैरह ये सारी चीजें आपको पता है, पहले से आपने बहुत सारे फॉर्म सबमिट किए तो आपको बड़े अच्छे से पता है। एसएसओ पे जाके आपको ये क्या करना है, सारा प्रोसेस, सबमिशन वाला प्रोसेस जो है वो क्या करना है, सबमिशन का प्रोसेस पूरा करना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। समान पात्रता परीक्षा वेबसाइट पर आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे जितने मेरे वीडियो आएंगे, जितनी उसमें इंफॉर्मेशन होगी सीईटी से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन के सारे जो जितने भी प्रेस नोट आएंगे सभी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नोट वाली, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास, ये देखिए, राज्य में अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे के सारे जो कैंडिडेट है इनको सामान्य वर्ग में काउंट किया जाएगा। मतलब अगर कोई आउट ऑफ स्टेट का बच्चा सीटी में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, राजस्थान से बाहर का अगर कोई बच्चा सीटी में अप्लाई कर रहा है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जाएगी, ठीक है। ऐसे सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.50 लाख रुपए से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपए 250 ही जमा कराते, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। भाई अगर आप ये चाहते हो कि मुझे फीस कम देना पड़े और आप ये सेलेक्ट करते हो कि मेरी जो आय है वो 2.50 लाख से कम है, तो आपको उसके लिए एक क्या बनवाना पड़ेगा, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। समान पात्रता परीक्षा जो है इसमें जो संभावित पद है वो कौन कौन से है, तो प्लाटून कमांडर के 43 पद है, जिलेदार का भी कोई पद है नहीं, पटवारी के 272 वैकेंसी है, कनिष्ठ लेखाकार जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो यही है, 1923 पद है, ठीक है। तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद है, पर्यवेक्षक महिला जो पर्यवेक्षक है, महिला सुपरवाइजर जो है उसके 176 पद है, पर्यवेक्षक के कितने हैं, पर्यवेक्षक का पद नहीं है, उप जेलर के 49 पद है और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 335 पोस्ट है। तो यह है पोस्ट का कैलकुलेशन, किस पद पर कितने पोस्ट है, ये कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद इनमें कैलकुलेशन में ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जैसे डिपार्टमेंट चाहेगा वैसे इसमें क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। अब अगर बात करें दिशा निर्देशों की, ठीक है, तो ये तो सारे कैटेगरी वाले दिशा निर्देश है, ठीक है, इनमें कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। हाँ अगर आपको कोई डाउट रहे इससे जुड़ा हुआ, सर कैटेगरी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल उस डाउट को कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं डिटेल से उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है बिंदु हमारे पास पात्रता और योग्यता। तो पात्रता वाली बात है, इसको देख लीजिए क्या क्या पात्रताएं हैं। सबसे पहले महिला अधिकारी, इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। जल संसाधन विभाग जो पटवारी है उसके लिए क्या चाहिए, पहली बात तो चाहिए आपको ग्रेजुएशन, पहली बात तो क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ एक कंप्यूटर का डिप्लोमा
हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे RSCIT जिंदाबाद, तो RSCIT चाहिए भाई साथ में आपको। इसके अलावा इससे हायर कुछ भी है, जैसे कोपा का डिप्लोमा है, डोएक सोसाइटी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो वो भी क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो भाई जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हो उसकी क्वालिफिकेशन आपको देखना है कि मुझे किस पोस्ट पे जाना है, और आयु वाला कॉलम भी आप देख लेना। जैसे यहाँ पर 18 से 40 है तो ज्यादातर तो यही होगी, कुछ एक दो पोस्ट है जिनमें 20 मिलेगी, जैसे प्लाटून कमांडर में एज ग्रुप जो है वो 20 से 40 का है, जिलेदार के लिए वही स्नातक, और इधर प्लाटून कमांडर के लिए भी क्या हो गया, एक तो स्नातक या फिर नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक। अगर वो मान लीजिए क्या है, भूतपूर्व सैनिक है, तो भी वो क्या होगा, एलिजिबल। लेकिन किस रैंक पे, सूबेदार और उससे ऊपर की रैंक पे, तो वो एलिजिबल होंगे गृह रक्षा विभाग की प्लाटून कमांडर के लिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है राजस्व मंडल की जो पटवारी है, पटवारी के लिए सॉरी लेखाकार के लिए, लेखाकार के लिए क्या चाहिए और कनिष्ठ लेखाकार के लिए क्या चाहिए, दोनों के लिए ही सेम है, दोनों के लिए सेम क्या है, ग्रेजुएशन प्लस RSCIT। क्या चाहिए भाई, ग्रेजुएशन प्लस RSCIT चाहिए। ये देखिए, भारत में केंद्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय या सांसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग अधिनियम, ये सारी बात इतनी सी है भाई साहब। UGC से अप्रूव्ड कोई भी यूनिवर्सिटी है उससे आपको क्या लेना है, उससे आपको लेना है ग्रेजुएशन, ठीक है, उससे आपको क्या लेना है, उससे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, और वो अगर आपके पास है इट मींस आप एलिजिबल है। और ग्रेजुएशन के साथ में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में आपको चाहिए RSCIT, ठीक है, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ आपको चाहिए RSCIT, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, चलिए जी। अब इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट नहीं है उनमें एक कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता से इंटरमीडिएट हो, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान नई दिल्ली से इंटरमीडिएट हो, वो क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कारागार विभाग, जो कारागार विभाग है, अगर कारागार विभाग की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, तो ज्यादातर में क्या मिलेगा, आपको स्नातक मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ाते हैं बात को, अब सर महत्वपूर्ण बातें जो बची है उन पे चलते हैं। आयु में कितनी छूट मिलेगी, 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। मैं कह रहा हूं राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि, क्या है भाई, 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना दे होगी, ठीक है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात अलग से भी संशोधन किया जा सकता है। पहली बात तो 2 साल की तो आपको छूट मिलनी है, ठीक है, 2 साल की, जो मान लीजिए जनरल का कैंडिडेट है और उम्र हो गई है 42, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। चलिए भाई बाकी की जो चीजें हैं वो देख लेते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बात है हम सिर्फ वो देखेंगे, या फिर किसी बच्चे के कोई डाउट होगा तो वो डाउट में कमेंट में मेंशन कर दूंगा। अब बात आती है फॉर्म भरने की, ठीक है, फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो है परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, कब से कब तक, ये देख लीजिए आप माध्यम से दिनांक 22/9 से 21/10 तक, 22/9 से 21/10 तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, शुल्क जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन पत्र दिनांक 22/9 से 21/10 को आपको क्या करना है, आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। 22/9 का मतलब है भाई कल से फॉर्म चालू है, ठीक है, कल से ही फॉर्म क्या है, स्टार्ट है। और परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो परीक्षा का आयोजन तो पहले ही बता रखा है, दिनांक 6/1/2023 से 9/1/2023, तो ये है आपके एग्जाम का डेट, ठीक है। पहली एग्जाम का डेट आया है 6/1 से 9/1/2023, ये आपके एग्जाम की डेट साथ में ही है, लो सा तैयारी चालू कर दो, आज ही तैयारी चालू कर दो, ठीक है। तो एग्जाम का डेट साथ में है, नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी, पेपर जैसे इजी होगा टफ होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी। तो अपने ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें हो गई है, अगर आपका कोई फिर भी इसके अलावा कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल मुझे उस डाउट को आराम से पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आपके रह जाए, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, अगले पांच मिनट बहुत ही ध्यान से सुनना है, अगले 5 मिनट बिल्कुल ईमानदारी के साथ देना है, क्योंकि किसकी बात करने वाला हूं, मैं सिलेबस की बात करने वाला हूं, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है इसका वो क्या होगा, विषय विवरण, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या होगी 150,
प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या होगी 150। नंबर कितने होंगे? नंबर होंगे 300। नंबर कितने होंगे? 300। टाइम कितना होगा? टाइम होगा 3 घंटे। टाइम कितना होगा? 3 घंटे। अब एक बार बात कर लेते हैं, क्या क्या आएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। पहली बात तो आपको एक ही लाइन में यह बोल दिया गया है कि राजस्थान का भी इतिहास और भारत का भी इतिहास। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ, राजस्थान पर विशेष बल के साथ। ठीक है, ये बात क्यों बोल रहा हूं? इसका मतलब फोकस जो करना है आपको वो राजस्थान जीके पे करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब देखो, अगर आप थोड़ी सी बात करें तो यहां पर आपको मैथ्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो मैथ से डरते हैं उन बच्चों के लिए ये क्या है? अच्छी बात है, आपको तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, वैसे तार्किक विवेचना में अर्थमेटिक वाला पोर्शन आता ही है, ठीक है, लेकिन तार्किकता में लॉजिकल बात होती है जो रीजनिंग बेस्ड होती है। तो यहां पर ये रीजनिंग वाला पोर्शन है मैथमेटिकल वाले पोर्शन से थोड़ी सी दूरी बनाई गई है। बाकी आपके सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वो आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब इसमें डिटेल से बात करते हैं। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो भाई परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये देखो बहुत काम की बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर बात करें थोड़ा डिटेल से तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है? तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, पहली बार और अंतिम बार। एक बार ध्यान से पढ़ लो, सारी टेंशन खत्म, कोई डाउट नहीं, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देख लो, सारे कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, इसमें देश के विभिन्न योगदानकर्ता, उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल। अब आ गए राजस्थान की बात, तो राजस्थान में तो आप ये मान लो पूरा का पूरा जीके है, राजस्थान में तो ये मान लो पूरा का पूरा क्या है? जीके है। इधर भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल पूरा का पूरा आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल, तो ये देखो राजस्थान के ऑलमोस्ट जो आप राजस्थान जीके में चैप्टर पढ़ते हैं सारे के सारे चैप्टर है। इसके बाद राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो पॉलिटी है जिसमें आपको विशेष बल किस पे रखना है? राजस्थान पे रखना है। और अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसमें भी आपको भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पे उसको पढ़ना है। ठीक है, और जो इसमें ये कह सकते हैं कि बाकी जो चीजें हैं वो तो आपको ध्यान रखनी है, साथ में आपको क्या पढ़नी है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद बिंदु आता है हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, आहार एवं पोषण, ये सारे चैप्टर क्या करने हैं आपको? तैयार करने हैं। इसके बाद आता है तार्किक विवेचन, और इस तार्किक विवेचन में गजब की बात क्या है, इस तार्किक विवेचन में ऑलमोस्ट जो चैप्टर है वो तो है रीजनिंग के, 90% जो चैप्टर है वो तो किसके है? रीजनिंग के। जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग वाले चैप्टर की, मेकिंग सीरीज एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां से लेकर बात चालू होती है यहां तक। ये वाले जो चैप्टर है वो है मैथ्स के, परसेंटेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब और कोण, ये सारे के सारे चैप्टर किसके हैं? ये सारे के सारे चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के। तो ये हो गई मैथमेटिक्स की बात। इसके बाद आता है हिंदी का, तो हिंदी में क्या क्या है? अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में संधि और विच्छेद, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, कारण अव्यय, समास भेद, सामासिक पद विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द। तो लिखने में तो आपको छोटा सा लिखा है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि चाहते हैं कि सब कुछ पूछ लिया जाए,
उनकी चाहत क्या है, उनकी चाहत है सब कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं इंग्लिश वाला, उससे पहले हिंदी का कुछ और बचा हुआ है, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजभाषा हिंदी, पत्र उसके प्रकार, तो पूरा का पूरा चैप्टर है। इसके बाद जनरल इंग्लिश में क्या है, तो जनरल इंग्लिश वाली बात कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश में ऐसे मानिए पूरा का पूरा एलडीसी का सिलेबस कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल, डिटर्मिनर, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रेशन, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग, ओहो भाई लेटर राइटिंग और आ गई, साथ में क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, idioms and phrases, one word substitution। तो ये हो गए आपके जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपको पूरी इंग्लिश पढ़नी है। उसके बाद आता है कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर के ज्ञान में क्या है, तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में आपके क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। और समसामयिक घटना जो करंट अफेयर है आपका, राजस्थान, भारत और इंटरनेशनल। राजस्थान का मतलब स्टेट लेवल पर, भारत का मतलब नेशनल लेवल पर, और अंतरराष्ट्रीय महत्व यानी इंटरनेशनल लेवल की जो समसामयिक घटनाएं है वो पूछी जाएगी। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं पूछी जाएगा। खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां हैं वो आपसे पूछी जाएगी। तो यह आ गया समसामयिक घटना वाला पार्ट, कि समसामयिक घटना का मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट अफेयर। तो ये हो गया भाई आपका पूरा सिलेबस। और अब आपको किसी से कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, सारी बातें इस एक वीडियो में क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सारी डाउट्स क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए अपना डाउट। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका फैमिली मेंबर है जो सीईटी के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, उसको ये जरूर बोले कि भाई आज से ही शुरू कर दे, आज से ही शुरू कर दे, जनवरी में तुझे एग्जाम देना है, तेरे पास बहुत कम टाइम है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीने है, 3 महीने जान लगा दो और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो भी अपडेट होगी मिलेगी सबसे पहले आपको। तो इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें।